रायबरेली में अपनी रैली के दौरान अखिलेश यादव मंदिर जा रहे होते हैं कि रास्ते में अखिलेश यादव को एक सिंघाड़े वाला दिखाई देता है। तो अखिलेश यादव अपने विजय रथ को रुकवा कर नीचे उतरते हैं और सिंघाड़ा बेचने वाला लड़का अखिलेश यादव के सम्मान में उनके पैर छूता है और अखिलेश यादव उसे आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए कैसे वो लड़का अखिलेश यादव से उनकी टोपी के बारे में कहता है। तो अखिलेश यादव अपनी टोपी सुधारते हुए उससे पूछते हैं कि अब सही है। फिर अखिलेश यादव उससे बात करने लगते हैं और कैमरामैन उस लड़के की फ़ोटो अखिलेश यादव के साथ खींच लेता है। और देखिए कैसे अखिलेश यादव उस लड़के से सिंघाड़े के लिए पूछते हैं और उसके सिंघाड़े की टोकरी से एक सिंघाड़ा उठाकर खाते हैं और फिर उस लड़के से बातें करने लगते हैं। अखिलेश यादव उससे पूछते हैं कि पूरा कितने का है। फिर उसे पैसे देते हुए अखिलेश यादव उसके सारे सिंघाड़े खरीदते हैं और मंदिर के लिए चले जाते हैं। दोस्तों अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। अखिलेश मंदिर के अंदर जाते हैं और दर्शन करके बाहर निकलते हैं और मंदिर के घंटे की तरफ जाते हैं। जैसे ही अखिलेश यादव मंदिर का घंटा बजाने लगते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो कोई उन्हें राधा कृष्ण की तस्वीर उपहार में देने लगता है। अखिलेश यादव मंदिर का घंटा बजाते हुए आगे बढ़ते हुए रथ तक जाते हुए लोगों से हाथ मिलाते हैं और अपने विजय रथ के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।